देखो कई सारे ऐसे सिमिलैरिटीज है जो हमें पुराने वाली सीरीज और पोकमो के अभी नई सीरीज यानी कि पोकमो होराइजन में देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐश से मिलती जुलती है जो इस सीरीज में हमें देखने को मिल रहा है। वेल वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो तुम्हें आज के इस वीडियो में पता चलने वाली है। वेल देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। वेल देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता है कि ऐश ने पिछली स्टार्ट की थी तो ऐश ने अपना मन पसंद स्टार्टर पोकमो नहीं चूज़ किया था। वेल देखो वो तीनों में से कौन सा स्टार्टर पोकमो चूज़ करना चाहता था वो उस पर डिपेंड करता था, लेकिन ऐश को मिलता है उसका पिकाचू जो उसकी जर्नी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद था, यानी कि एक अच्छा पार्टनर उसे मिल गया। वैल इसी तरह लीको के केस में भी ऐसी था। देखो लीको के सामने कई सारे पॉकेबॉल्स थे लेकिन लीको ने कोई भी पॉकमोन चूज नहीं किया, रैंडमली उसे एक पॉकमोन दिया गया और उसे मिला स्प्रिगेटो। देखो ऐश को भी ऐश ने जो पॉकमोन सोचा था उसे वो नहीं मिला। लीको को पता नहीं था कि उसे कौन सा पॉकमोन मिलने वाला है, मतलब कि दोनों ने अपनी मर्जी से पॉकमोन को नहीं चूज किया था। वैल इसके अलावा दोनों ने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तो उन्होंने अपने लेजेंडरी पॉकमोन को देखा था, यानी कि ऐश ने जब जर्नी को स्टार्ट किया तो उसे हो नजर आया। वहीं दूसरी तरफ लीको ने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तो उसे स्कूल में यानी कि पेंडेंट की वजह से उसे ट्रैपोकोस देखने को मिला। वहीं रॉय की जर्नी के स्टार्टिंग में उसने शाइनी रक्वास यानी कि ब्लैक रक्वास को देखा। अब देखो तीनों के केस में काफी सारी सिमिलैरिटीज है। देखो तीनों ने अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में यानी कि लेजेंडरी पोकेमोन को देखा। देखो लीको जो है पढ़ाई करने के लिए आई है लेकिन उसका असली मकसद क्या है, वो क्या जानना चाहती है, वो क्या लर्न करना चाहती है, अभी भी तक ये डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। वेल देखो इसके अलावा तुम्हें पता है जब ऐश ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था पिकाचू जो उसे अच्छे से बात नहीं करता था, उसकी बात नहीं मानता था। वेल उसके बाद फाइनली ऐश ने जब पिकाचू को सेव किया था उसकी बात मानता था और फिर वो दोनों अच्छे पार्टनर बने। वहीं लीको के केस में तुम देख सकते हो जब लीको को अपना पार्टनर मिला था तो वो लीको के साथ अच्छे से पार्टनरशिप नहीं कर पा रही थी, वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। बाद में लीको ने काफ़ी कोशिश की, फाइनली वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे, यानी कि दोनों की स्टार्टिंग के हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम सेम है। वेल और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाला, कई सारी सिमिलैरिटीज़ तो हमें देखने को पहले ही मिल चुकी है क्योंकि देखो काफ़ी कम एपिसोड्स आए हैं तो इतनी चीज़ें मिली है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ढूंढनी बाकी है। वेल देखो हाँ आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और कमाल की वीडियो में।